नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जेट एयरवेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले कुछ समय से जेट एयरवेज घाटे में चल रही थी। जेट एयरवेज एयरलाइंस पर 8000 करोड़ का कर्ज था और एक्यूमुलेटेड लॉसेस 14000 करोड़ के आसपास थे। मतलब देखो, हर क्वार्टर में लॉस होगा तो लॉस इकट्ठा होता जाएगा ना, तो लॉस इकट्ठा होके 14000 करोड़ का हो गया था जेट एयरवेज का। फरवरी में जेट एयरवेज के प्रमोटर नरेश गोयल ने पैनिक का बटन दबाया, अगर हमें अर्जेंट लोन नहीं मिला तो ऑपरेशंस चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे और हमारी एयरलाइन बंद हो जाएगी। उन्होंने रिक्वेस्ट की बैंक से कि हमारी एयरलाइन को डूबने से बचा लीजिए, हमें 1500 करोड़ की आवश्यकता है। तो बैंक्स आगे आए, प्रमुखता से SBI। उन्होंने एक शर्त रखी नरेश गोयल के सामने कि जेट एयरवेज के बोर्ड से आप बाहर निकल जाइए। तो जेट एयरवेज ने इस शर्त को मान लिया। नरेश गोयल और उनकी वाइफ जेट एयरवेज के बोर्ड से बाहर निकल गई और बदले में बैंक ने कुछ लोन दे दिया जेट एयरवेज एयरलाइन को, ताकि उनके ऑपरेशंस जारी रह सकें। यह फरवरी की बात है। लेकिन 2 महीने बाद फिर से जेट एयरवेज ने मांग की कि हमें 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, अगर 400 करोड़ रुपए हमें नहीं मिले तो हमें मजबूरी में ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे, हमारी एयरलाइन बंद हो जाएगी। लेकिन इस बार बैंक ने कहा नहीं, हम आपको लोन नहीं देने वाले हैं क्योंकि आपकी एयरलाइन वैसे ही फेल होने वाली है, आपका पैसा डूबने वाला है, हम लोन देके हमारे पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो बैंकों के मना करने के बाद जेट एयरवेज ने ऑपरेशंस को बंद कर दिया। मतलब अब जेट एयरवेज एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ान नहीं भर रही हैं, समझ गए। आर्टिकल में देखो कहा जाता है, एक समय में जेट एयरवेज का काफी अच्छा नाम था, लेकिन ये तो होना ही था जिस प्रकार से लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था जेट एयरवेज को। और बैंकों का ये जो डिसीजन है अभी जेट एयरवेज को मना करने का कि हम आपको लोन नहीं देंगे, ये देखो बैंकों का बिल्कुल ठीक डिसीजन है। क्योंकि सोच के देखिए, कोई कंपनी डूब रही है, आप डूब रही कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो बैंकों को भी यही लगा कि फिलहाल जेट एयरवेज को लोन देने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि जेट एयरवेज कंपनी डूबने वाली है। अभी बैंकों के पास एक ही रास्ता है कि ऑलरेडी जो लोन दिया हुआ है जेट एयरवेज को वो वसूला जाए। वो कैसे वसूला जाए? जेट एयरवेज का जो केस है वो जाना चाहिए इंसॉल्वेंसी कोर्ट के पास। आगे तो देखो आर्टिकल में इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं कि जेट एयरवेज के डूबने का जो रीजन है वो जेट एयरवेज के प्रमोटर्स भी हैं, क्योंकि अक्टूबर में ही पता लग गया था कि जेट एयरवेज की जो हालत है वो ठीक नहीं है। लेकिन नरेश गोयल जेट एयरवेज के बोर्ड में अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई फरवरी में, तब जाके नरेश गोयल ये माने कि हाँ, मैं जेट एयरवेज के बोर्ड में अपनी सदस्यता छोड़ने को तैयार हूं, आप लोन दे दीजिए। अगर नरेश गोयल ये बात पहले मान जाते तो उस समय शायद जेट एयरवेज को डूबने से बचाया जा सकता था। अब देखो, जेट एयरवेज कंपनी को फिलहाल इस पॉइंट पर कोई दूसरी कंपनी खरीदती है तो हो सकता है कि जेट एयरवेज कंपनी को ठीक ठाक दाम मिल जाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा समय और बीता तो फिर तो जेट एयरवेज कंपनी जो है वो बिल्कुल औने पौने दामों में बिकेगी या फिर बिकेगी ही नहीं, और कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स को एसेट्स बेच के अपना पैसा हासिल करना पड़ेगा, जैसे देखो किंगफिशर से हासिल किया था। किंगफिशर की प्रॉपर्टीज को बेच के या फिर जो उनके विमान थे उनको बेच के, ज़्यादातर ये जो कंपनीज होती हैं ना विमान को लीज पे लेती हैं, इनके पास खुद के विमान कम होते हैं। अब आपके मन में वैसे एक क्वेश्चन ये भी आया होगा, ऐसा क्यों? मतलब इस पॉइंट पर जेट एयरवेज कंपनी बिकेगी तो दाम ठीक ठाक मिल जाएंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद बिकेगी तो दाम ठीक ठाक नहीं मिलेंगे। उसका देखो एक रीजन है, जब कोई कंपनी ये देखती है ना कि इस
एयरलाइंस को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है, तो बहुत कुछ देखा जाता है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ये कंपनी कितने विमान उड़ाती थी, ये भी देखा जाता है कौन से रूट पर विमान उड़ाती थी ये एयरलाइन, अभी भी वो रूट के राइट्स हैं या फिर नहीं है, पार्किंग राइट्स एयरपोर्ट पे हैं या फिर नहीं है, डिपार्चर रूट के राइट्स हैं या फिर नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अभी जैसे ही जेट एयरवेज एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशन बंद किए, तो दूसरी जो एयरलाइंस हैं जैसे इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट, इन्होंने जेट एयरवेज के पार्किंग लोड्स पर, डिपार्चर रूट्स पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ टेम्परेरी रूप से है, क्योंकि जेट एयरवेज तो ऑपरेशन चला नहीं रही है, तो टेम्परेरी रूप से बाकी जो एयरलाइंस हैं वो फायदा उठा रही हैं, वो जेट एयरवेज के डिपार्चर रूट्स और पार्किंग लोड्स का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन देखो, अक्टूबर तक जेट एयरवेज के ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए फिर से, तो परमानेंट ये पार्किंग लोड के राइट्स, डिपार्चर रूट के राइट्स, ये सब चले जाएंगे जेट एयरवेज से। तो फिर इसीलिए कोई दूसरी कंपनी को अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जेट एयरवेज को खरीदना। इसीलिए कहा जाता है कि अभी अगर जेट एयरवेज बिक गई तो बिक गई, लेकिन अक्टूबर के बाद तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और अच्छे दाम नहीं मिलेंगे जेट एयरवेज कंपनी को, अगर अक्टूबर के बाद कोई कंपनी जेट एयरवेज को खरीदती है। जेट एयरवेज कंपनी के फेल होने का नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो देखो जनता को भी हुआ है, क्योंकि फ्लाइट्स अब कम हो गई हैं, तो दूसरी जो एयरलाइंस हैं वो मौके का फ़ायदा उठा रही हैं, उन्होंने अपने किराए को बढ़ा दिया है 20-30% या फिर 40% तक। दूसरा सीधा सीधा नुकसान जेट एयरवेज एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ का हुआ है, ऑलमोस्ट 18,000 एम्प्लॉई, उनको इतनी जल्दी दूसरी एयरलाइंस में काम मिलेगा भी नहीं, कईयों को मिलेगा तो उनको कम सैलरी पे काम करना पड़ेगा, समझ गए? तो नुकसान तो जनता को ही है। लास्ट में वही बात फिर से रिपीट की जाती है कि काफ़ी दुखद है, एक टाइम में काफ़ी अच्छा ब्रांड हुआ करता था जेट एयरवेज का, लेकिन अब जेट एयरवेज को अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ रहे हैं। और जेट एयरवेज को ब्रांड बनाने में सरकार ने भी काफ़ी मदद की थी, जैसे एक रूल था पहले 5/20, जिस एयरलाइन के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और 20 फ्लाइट्स हैं, मतलब 20 विमान हैं, उसी एयरलाइन को इजाज़त दी जाएगी फॉरेन रूट पर विमान चलाने की, समझ गए? मतलब जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर 20 विमान नहीं है, वो सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ाएगा, डोमेस्टिक रूट पर विमान चलाएगा, फॉरेन रूट पर फ्लाइट नहीं चलाई जा सकेगी उस एयरलाइंस के द्वारा। तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? जेट एयरवेज को हुआ, क्योंकि जेट एयरवेज तो एक ऑलरेडी इस्टाब्लिश्ड एयरलाइन थी ना, छोटी छोटी एयरलाइन मुकाबले में नहीं आ सकी इस रूल की वजह से जेट एयरवेज के। दूसरा रूल जिसकी वजह से जेट एयरवेज को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, देखो पहले फॉरेन कंपनीज के ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी अगर वो हमारे देश की एयरलाइंस में इन्वेस्ट करना चाहती, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस को तब डाइल्यूट किया गया जब जेट एयरवेज को इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी। एतिहाद ने जब जेट एयरवेज के अंदर इन्वेस्ट किया तब इन रिस्ट्रिक्शंस को डाइल्यूट कर दिया गया। तो इन दोनों रूल्स का जेट एयरवेज को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन वही बात अब दुखद है कि जेट एयरवेज ने अब अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है और अल्टीमेट नुकसान होगा जनता को, जिनके लिए किराया अभी महंगा होगा, और जेट एयरवेज के एम्प्लॉइज को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जेट एयरवेज के बारे में, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।